आप अपने अपने माइक को म्यूट कर लें, माइक को म्यूट कर लें ताकि कोई पीछे का शोर शराबा नहीं है। हम टीम से कनेक्ट किए हैं क्योंकि थोड़ी सी लंबी क्लास है, इसलिए हमने टीम से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज डेटा टाइप के बारे में। जी हाँ, डेटा टाइप के बारे में आज हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि डेटा टाइप का यूज क्या है, कैसे है, क्यों होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीवी प्रोग्रामिंग में आपने कई बार देखा होगा, मुझे डिम आर एज इंटीजर या कहीं और जगह पे ही डिम आर एज इंटीजर, डिम लॉन्ग वगैरह वगैरह, लेकिन आखिर इसका यूज क्या है, चलिए इस चीज के हमारे में आज जानते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्यूअल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि मैं इसके ऊपर भी कुछ समझा सकूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया मॉड्यूल। मॉड्यूल में यहाँ पे सब्जेक्ट आर आर करते हैं, आप कुछ भी नाम दे दीजिए। अब मैंने यहाँ पे लिया, मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे 10 + 20 रिजल्ट 30। भाई 30 स्टोर करना हो, 30 जो रिजल्ट आया इसको कहीं स्टोरेज पॉइंट देना होगा। कहीं ना कहीं स्टोरेज पॉइंट देना होगा, क्योंकि हम स्टोरेज पॉइंट नहीं देंगे तो स्टोर कहाँ करेगा। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे वेरिएबल। हम लिखेंगे कि डिम आर एज ए इंटीजर, और यहाँ पे आर इक्वल टू, हमने 10 + 20 किया तो 30 अब आर पे स्टोर हो जाए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों लिया मैंने। देखिए, अगर आप वेरिएबल ना ले तो ऐसी कैलकुलेशन, ऐसी वैल्यू होल्ड करने के लिए आपको किसी रेंज को लेना होगा कि रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 10 + 20। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि आपको A1 हमेशा खाली तो नहीं होगा ना, A1 पे डेटा हो सकता है। तो हम यहां नहीं चाहते हैं किसी भी वैल्यू को सेल रेफरेंस के अंदर डालें, हम चाहते हैं वीवी के अंदर ही सारा काम हो जाए। इस केस में हम वेरिएबल्स लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग सेविंग लोकेशन। डेटा टाइप्स वेरिएबल जो करना है कर लीजिए। तो ये क्या है, डिम क्या है, डिम मतलब हुआ डायमेंशन, आर क्या हुआ उस लोकेशन का नाम, और इंटीजर उसका कास्ट, मतलब कि हार्ड डिस्क के किसी डायमेंशन में आर नाम का लोकेशन क्रिएट हुआ और उस ओ जो है सिर्फ इंटीजर डेटा को स्टोर करेगा, और ये जो बनता है सिर्फ उसी के उसी दौरान बनता है जिस दौरान माइक्रो चलता है। माइक्रो खत्म, ये लोकेशन भी खत्म हो जाती है, माइक्रो खत्म, ये लोकेशन भी खत्म हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि और क्या जरूरत हो सकती है। देखिए, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक इनपुट यूजर से लेना है, और उस इनपुट के नाम से, जैसे मान लीजिए एक इनपुट लेना है जिसका नाम से सीट नेम देना है, यहाँ पे हेडिंग भी देनी है, यहाँ पे हेडिंग भी देनी है, और यहाँ भी उसको डेट बना के लिखना है, जैसे मंथ मान लीजिए। अब क्या होगा, हम वेरिएबल नहीं देते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सीट, सीट वन ले लेते हैं कि सीट वन डॉट नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, यहाँ पे एंटर मन, फिर रेंज A2 डॉट वैल्यू इक्वल टू इनपुट बॉक्स, यहां पे एंटर मन। फिर मुझे यहाँ A7 पे भी डेट बनाना है, यहाँ पे कि यहाँ पे रेंज A7 डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट, और फिर यहाँ पे रेंज
रेंज बी सेवन द वैल्यू इक्वल टू 1 डैश 1% इनपुट बॉक्स और यहाँ पे एंटर मंथ 1% डैश 2023। तब क्या होगा कि हम रन करेंगे, रन किए, रन रन करने के बाद मुझसे पूछा मंथ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे जैन, तो जैन नाम का सीट यहाँ बन गया। फिर पूछता है एंटर मंथ, तो यहाँ पर हमने जैन लिखा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैन आ गया A2 पे। फिर जैन लिखेंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे बार बार इनपुट बॉक्स देना पड़ रहा है। तो मुझे एक इंफॉर्मेशन यूजर से लेनी है और उस इंफॉर्मेशन को कई जगहों पे यूज करना है। एक इंफॉर्मेशन मुझे यूजर से लेना है और उसको कई जगहों पे यूज करना है। तो यहां पे देख सकते हैं कि कई बार मुझे इंफॉर्मेशन लेना पड़ रहा है, लेकिन इसी चीज को हम वेरिएबल के थ्रू कर दें कि इम एम एज ए स्ट्रिंग, और यहां पे हमने इनपुट बॉक्स लिया, बोला एम इक्वल टू ए डाल दिए। तो मुझे जहां जहां मंथ की जरूरत थी वहां वहां हम क्या लेंगे, एम ले लेंगे। क्या ले लेंगे सर, एम। तो इससे क्या, अब क्या होगा कि यूजर एक बार एंट्री करेगा, यूजर से सिर्फ एक बार पूछेगा और जगह जगह पे ले लेगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया जैन और ऐसे ओके किया। देखिए ना, आप लोग अरुण जी एंड बाकी लोग जो है, आप लोग सोचिए कि कौन सा बेनिफिट है। तो आपने समझ में आ गया, अजय जी समझ में आया कि हम वेरिएबल क्यों डिफाइन करते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्वेश्चन आता है कितने तरह के वेरिएबल हैं। हमने अभी इंटीजर ले लिया, हमने अभी स्ट्रिंग ले लिया, क्यों इंटीजर लिया, क्यों स्ट्रिंग लिया, और क्या क्या ले सकते हैं, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले हम टाइप के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है डिम बी एज ए बाइट। अब बी के जगह पे कुछ भी दे सकते हैं, बी कंपल्सरी नहीं कि बी ही देना है, एनीथिंग ले सकते हैं बी के जगह पे, कि बी एज ए बाइट। तो बाइट क्या है कि वो नंबर स्टोर करता है, वो भी जीरो से लेकर बी के ऊपर जीरो से लेकर 255 तक हम स्टोर कर सकते हैं, विदाउट माइनस, विदाउट डेसिमल एंड विदाउट किसी भी तरह का करेक्टर। फिर आता है डिम बी एल एज ए बुलेट। अब बी एल का जगह कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। अब मैं बी एल के ऊपर में ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकता हूं। फिर आता है डिम आई एज ए इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर में मैं आई के ऊपर -32,000 something टू +32,000 something हम स्टोर कर सकते हैं, वो भी विदाउट माइनस, सॉरी विदाउट डेसिमल और विदाउट टेक्स्ट। उसके बाद आता है डिम एल एज ए लॉन्ग। इसके ऊपर हम 12 डिजिट का डेटा डाल सकते हैं, लेकिन डेसिमल ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट माइनस प्लस दोनों करेगा। फिर आता है डिम डी एज ए डबल। तो डी के ऊपर हम लॉन्ग से भी ज्यादा और माइनस भी और प्लस भी और डेसिमल भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिम डी टी एज ए डेट।
अब डीटी के ऊपर किसी भी तरह का डेट हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखेंगे या किसी फॉर्मेट में डेट लिखेंगे तो उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि 1 जैन 2023, उसके बाद आता है डिम एस एज ए स्ट्रिंग। किसी भी तरह का टेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एंटर द मंथ, तो जैन फेब है तो करेक्टर, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया। एस के ऊपर हम अपने मर्जी से जो डेटा डालना चाहे डाल सकते, टेक्स्ट नंबर कुछ भी, तो नन कैलकुलेटिव डेटा कहा जाता है, नन कैलकुलेटिव डेटा बोला जाता है। उसके बाद आता है डिम वी एज ए वेरिएंट। अब आपको कंफ्यूजन है कि आपका यूजर क्या, जैसे वी लुकअप ले लीजिए, तो वी लुकअप में जो लुकअप वैल्यू होता है वो तो कुछ भी हो सकता है, डेट को भी लुकअप कर सकता है, टेक्स को भी लुकअप कर सकता है, डेसिमल भी कर सकता है, एनीथिंग कर सकता है। तो यहां पे मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा करना कि भाई कोई भी डेटा एंट्री कर सके, तो उसमें हम वेरिएंट जो होता है ऑलराउंडर होता है, वेरिएंट के ऊपर नंबर डालेंगे तो नंबर हो जाएगा, वेरिएंट के ऊपर टेक्स्ट डाल सकते हैं तो टेक्स्ट भी एक्सेप्ट कर लेगा, वेरिएंट के ऊपर आप डेट डालें तो डेट एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये ऑलराउंडर कपिल वेव की तरह काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप लोगों को ख्याल आएगा कि जब मेरे पास वेरिएंट है, ऑलराउंडर वेरिएबल है, तो फिर हम ये चीजें क्यों लें? तो दो चीज इसमें मैटर करती है। पहली साइज, देखिए जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हो उसकी एक साइज है, जैसे बाइट 2 बाइट है, गुलन 4 बाइट है, इंटीजर भी 4 बाइट है, लॉन्ग आप 8 बाइट है, डबल आपका भी 8 या 16 बाइट होता है, डीटी भी आपका 8 बाइट होता है, स्ट्रिंग जो है मिनिमम आपका 4 बाइट और अकॉर्डिंग द टेक्स्ट की साइज पे डिपेंड करता है, वेरिएंट हमारा 32 बाइट होता है सबसे ज्यादा। तो बोलेंगे कि सर बाइट है ना, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास तो जैसे मेरी पीसी की बात करें तो 1 TB का हार्ड डिस्क और 32 GB रैम, तो क्या फर्क पड़ता है बाइट से? देखिए फर्क आपकी सिस्टम स्पेस से नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है माइक्रो से। एक सब्जेक्ट जो आपने बनाया उसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है 255 KB होती है, मतलब आपका प्रोग्राम 255 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए जब कोई बड़ा माइक्रो डेवलप कर रहे हैं, कोई बड़ी कोडिंग लिख रहे हैं, तो उस बड़ी कोडिंग में आपको ध्यान रखना है कि आप जो है डेटा टाइप को उसी तरह से इस्तेमाल करें, कोई और अननेसेसरी ना करें। दूसरा होता है कन्वर्जेंस, जैसे कि आप अगर डेट एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं सब आर आर _1 ब्रैकेट ओपन क्लोज करता हूँ, अगर मैं कोई डेट एंट्री कर रहा हूं, तो अगर मैंने वेरिएंट ले लिया, डेट ले लिया, तो डेट को टेक्स्ट भी समझ सकता है और डेट भी समझ सकता है। उस चलिए एक काम करते हैं, हम लेते हैं डेसिमल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि डिम आर एज ए लॉन्ग और मैं आर के ऊपर पे 50 को डिवाइड कर दिया 6 से, MSG बॉक्स के अंदर आर बिगिन, तो एक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, देखिए 8 आ गया। अगर मैं लॉन्ग के जगह पे करता, मान लीजिए वेरिएंट, तो वेरिएंट हमें डेसिमल देता, क्या देता, डेसिमल देता, डेसिमल दिया। अब मुझे यहाँ पे राउंड का फॉर्मूला लगाना पड़ता जो कि इसको डेसिमल परसेंट प्लस को रिमूव करता, या इंट का फॉर्मूला लगाना पड़ता जो डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करता। ओके सर, तो प्रॉब्लम हो गई, तो जहां राउंड करना है वहां पर। दूसरा आता है आपका, वो आता है कि अगर आपने आपको सिर्फ नंबर ही लेना है, तो अगर मैंने यहाँ पे कर दिया कि डिम के एज ए लॉन्ग,
अब मैं के ऊपर सिर्फ नंबर ही डाल सकता हूं। अगर मैंने गलती से टेक्स्ट डाल दिया तो क्या होगा? टेक्स्ट डाल दिया तो गलती से क्या होगा? तो आपका यहाँ पे एरर आएगा, देखिए टाइप मिसमैच का। अगर आपको टाइप मिसमैच का एरर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके वेरिएबल पे गलत वैल्यू स्टोर है, मतलब कि नंबर पे टेक्स्ट या एरर इस तरह का कुछ स्टोर है जो कि वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, समझे सर? अरुण जी, आपकी जो प्रोजेक्ट में एरर आ रहा था टाइप मिसमैच का, समझ में आया क्यों आ रहा था टाइप मिसमैच का एरर? जी हाँ, तो टाइप मिसमैच का एरर आया, इसका मतलब है कि आपका अलग है, इसका ध्यान रखिएगा। तो वेरिएबल समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जी हाँ, उसमें ध्यान रखिएगा। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि मुझे, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया और डायरेक्ट कर दिया कि आई इक्वल टू 50, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? वेरिएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिएंट। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आप अगर अपने ऊपर ऑप्शन एक्सप्लिट नहीं डाल रखा है। कई बार देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिट लिखा होता है सबसे ऊपर में, कुछ ऐसे लिखा होता है, स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे यहाँ पे। अच्छा, एक्सप्लिलिट होता है ना। क्या बोलते हैं, उसको स्पेलिंग भूल गया मैं तो, इसका यूज नहीं करता मैं। हाँ शायद, हाँ है जी हाँ। अगर ये डाला हुआ है तो आपका किसी भी तरह का डिक्लेरेशन, ये विदाउट डिक्लेरेशन से आई है ना, ये वर्क नहीं करेगा, समझे? तो अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है वेरिएबल बिना डिफाइन किए हुए, तो आप इसका यूज कर रहे हैं। और डिफाइन क्यों करना है, आप समझ में आ गया? डिफाइन करना जरूरी क्यों है? साइज कन्वर्जेंस की वजह से, ठीक है ना, कि आप एक वैलिडेट इनपुट ले और कौन सा कब लेना है और डिसाइड करना है आप। ये थी हमारी डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद आता है ऑब्जेक्ट टाइप। जैसे मान लीजिए कि मुझे अपना फाइल जो दिख रहा है एक्टिव वर्क, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा स्लैश 3 करता हूँ। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा कि बिम डब्ल्यू एज ए वर्क बुक। हमने बोला कि डब्ल्यू जो है एक वर्क बुक है, बट कौन सा वर्क बुक वो असाइन करना हो। तो डेटा टाइप पे तो वैल्यू डेटा स्टोर करते हैं ना, लेकिन ये तो वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट असाइन होता है, मतलब उस सेट से शुरू होगा कि सेट डब्ल्यू इक्वल टू, हमने बोल दिया एक्टिव वर्क बुक। मतलब अब एक्टिव वर्कबुक में कुछ भी करना है और डब्ल्यू पे होगा, जैसे डब्ल्यू डॉट सेव एज, ठीक है ना, डी ड्राइव के अंदर 1 2 3 4 नाम से सेव कर दो, डब्ल्यू से होगा। अब डब्ल्यू डॉट क्लोज, हम यहाँ पे डब्ल्यू को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज, अब आपको एक्टिव वर्कबुक या शीट्स वगैरह लिखने की, वर्कबुक्स और वर्कबुक का नेम वगैरह देने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया? असाइन कर दिया, ठीक है। उसी तरह से हम शीट भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे करते हैं कि डिम एस एज ए वर्क शीट, यहाँ शीट्स नहीं होगा वर्क शीट होगा, यहाँ लिखिएगा वर्कशीट। अब मैं यहाँ करूंगा एस सेट एस इक्वल टू, हमने बोल दिया कि शीट्स, और शीट्स के अंदर में है शीट 2। अब मुझे शीट 2 के ऊपर कुछ भी करना है, एस डॉट नेम इक्वल टू डेटा, एस डॉट मूव
फाइव आफ्टर बिफोर सीट फाइव, ठीक है, एफ डॉट ब्लीड, एफ डॉट हाइड। तो अब हम सीट्स ना लिखेंगे, एस लिखते हैं। यहां ये भी दे सकते हैं कि डब्लू डॉट सीट्स, डब्लू डॉट सीट्स, तो ये फिक्स हो जाएगा कि भाई जो फाइल है एक्टिव वर्कबुक है उसका शीट हो गया। तो आप इसके आगे जो सीट का जो यहाँ पे वर्कबुक का जो नाम लिखना होता था वो वर्कबुक का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, समझे। उसी तरह से हम यहां करेंगे डिम आर एज ए रेंज, ठीक है, और यहां पे सेट आर इक्वल टू लिखेंगे यहां पे कि डब्लू डॉट एस डॉट एस, डब्लू डॉट एस डॉट रेंज ए वन से लेके ए टेन, समझे। मतलब डब्लू एक्टिव वर्कबुक, उसके अंदर सीट टू और सीट टू के अंदर रेंज ए वन से ए टेन। अब मुझे कुछ भी करना है तो यहाँ पे आर पे करना है, आर डॉट कॉपी, देख रहे हैं आर रेंज के सारे फीचर इस पे आ रहे हैं, आर डॉट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, ये सारे फीचर्स आएंगे। तो इस तरह से साइन कर सकते हैं। अब यहां पे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ हम अपना फाइल वर्कबुक नहीं, हम एक काम ये साइन कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि सेट के के सेट के इक्वल टू हमने बोला कि शीट्स डॉट एड। अब यहां पे लिखेंगे कि विथ के डॉट नेम इक्वल टू डेटा डॉट मूव लास्ट में करना है, सिक्स फाइव थ्री आफ्टर थ्री शीट में, और फिर आपने एनबीज कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे एक प्रोसेस को एक एक क्या बोलते हैं स्टोरेज को भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, हेलो। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास, वो आते हैं एरे डेटा टाइप। क्या होता है एरे, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, पांच ही मान ली, पांच या छह सात भी हो सकते हैं, पांच मान लेते हैं। अब मुझे इसके पूरा डेटा चाहिए, स्टोर करना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिम ए एज ए लॉन्ग इंटीजर, dim v as a long या integer, dim c as a long integer, जो भी वेरिएबल डालना चाहते डालेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे a इक्वल टू 85 या रेंज a1 डॉट वैल्यू, क्योंकि एक वेरिएबल आपका एक ही तरह का डेटा स्टोर करेगा, एक वेरिएबल एक ही तरह के डेटा को स्टोर करेगा, एक वेरिएबल एक सीधा डेटा स्टोर नहीं करेगा, समझ गए। तो क्या करें इसी केस में, अब मान लीजिए 20 है तो क्या हमें 20 वेरिएबल डिफाइन करें और फिर वहां एक एक करके वैल्यू स्टोर करें, नहीं, हम यहां पे एरे करेंगे। हम लिखेंगे कि डिम ए, इसके अंदर डाल देंगे 1 2 7, ठीक है। अब मैं यहां पे ए वन इक्वल टू रेंज ए वन डॉट वैल्यू। अब इससे बेनिफिट भी होगा, हम इसको लूप में भी लगा सकते हैं, हम यहां पे कर देंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 7,
और यहाँ पे नेक्स्ट आई, और यहाँ पे हम दे देंगे भाई आई, और ए वन के अंदर भी आई दे देते हैं कंबाइन करके। तो लूप में भी आपको बहुत अच्छा होगा कि पूरी पूरी सीट की डेटा, पूरी की पूरी कॉलम का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं किसी एक डेटा के ऊपर। जब मुझे डेटा उसको चाहिए चाहिए होगा, सेम उसी तरह से मान लीजिए मुझे जो चौथे नंबर डेटा चाहिए, तो यहाँ पे एम एस जी बॉक्स के अंदर हम लिख देते ए, यहाँ पे चौथा, ठीक है। तो चौथा नंबर डेटा जो 63 है वो उठा के दे देगा। देखिए आया 63, तो इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन एरे क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक कॉलम डिफाइन किया हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास रो एंड कॉलम है, मतलब कि एक टेबल है, एक टेबल है जैसे यहां पे मैं बनाया हुआ है। तो टेबल में क्या है कि 10 रो है और 7 कॉलम है। तो यहां जो डिफाइन होगा एरे वो होगा कि डिम ए, अब ए नहीं बी करेंगे, बी, और यहां पे 1 to 10। पहले क्या होगा? पहले होगा 1 to 10 मतलब कि रो, फिर कॉमा 1 to 7 कौन सा कॉलम, एज ए लॉन्ग इंटीजर देना देना चाहते दे दीजिए। अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए 1 रो 1 कॉलम इक्वल टू, यहाँ पे रेंज दे दीजिए या सेल दे दीजिए कि सेल्स यहाँ पे 1,1। अब इसको इस पूरी वैल्यू को स्टोर करने के लिए लूप कैसा लगेगा? तो लूप दो लगेगा, एक लगेगा रो के लिए कि 4 r इक्वल टू चले 1 to 10, फिर इसके अंदर कॉलम के लिए कि 4 j इक्वल टू चले 1 to 7, और इसके अंदर जो है हम डालेंगे आई रो एंड जे कॉलम, और फिर यहां पे बंद हो जाएगा। मतलब एक आई पे 7 बार जे चलेगा, एक आई पे कितना बार चलेगा? 7 बार, ठीक है। और आपको चाहिए होगा तो यहाँ पे जैसे एम एस जी बॉक्स के अंदर मुझे चाहिए, तो इसके अंदर हमने लिख दिया ए एट बी होगा ना, यहाँ पे बी यहाँ पे 1,5, और माफ कीजिएगा मैंने यहाँ पे ए लिख दिया जबकि होना चाहिए था बी, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करते ही नेक्स्ट आई नहीं होगा, नेक्स्ट आर होगा, और नेक्स्ट जी हाँ ये देखिए 33, 33 में 1 नंबर रो और 5 नंबर कॉलम, 33 तो कुछ नहीं, अच्छा 33 ए आ गया ना यहाँ पे, पहले तो ए दिखाएगा ना, अब दूसरा दिखाएगा 0, 5 नंबर कॉलन 1 नंबर रो, 0 कैसे दिखा दिया बी ओ। तो इसमें क्या गलती है? इसमें मैंने एक चीज दिया, सेल के अंदर भी सेम आएगा, तो यहां पे आ आएगा, और यहां पे हम लिखेंगे आर एंड जी, ठीक है। रन कीजिए कैसा का दिखता है, हाँ 33, अब आगे 11 आया जो कि ये रहा 11, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशन एरे समझ में आ गया, तो एरे समझ में आ गया। तो डेटा टाइप में पहला आपने सीखा डेटा स्टोर करना, फिर सीखा ऑब्जेक्ट असाइन करना, फिर आपने सीखा एरे असाइन करना, समझ में आ गया तीनों। अब अगला बारी आप बात करते हैं कुछ कैलकुलेशन की, मतलब कि हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम कब कौन सा वेरिएबल डिफाइन करें, ठीक है। तो हम एक
निकालते हैं यहाँ पे डेटा सिलेक्शन मैथ कैलकुलेशन। हाँ चलिए, इस मैथ का कुछ कैलकुलेशन जो हम एक्सेल की क्लासेस में देते हैं ना, उसी पे आ गया। और यहां डालते हैं इसको। तो मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो है कि PRT। ठीक है, तो यहां पे करते हैं सब्जेक्ट मैथ एम अंडरस्कोर वन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इक्वल टू वन, और हमने डिफाइन करेंगे डिम पी एज ए लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग नंबर होगा। डिम आर क्या लेंगे हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेंगे, अरुण जी क्या लेंगे सर, जी हाँ क्यों डबल क्यों लेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में इसमें होता है, परसेंटेज में होता है, और एक्सेल में परसेंटेज डेसिमल होता है। ठीक है, और डिम टी क्या लेंगे, टी लेंगे बाइट, क्योंकि टाइम 255 महीने से ज्यादा थोड़ी होगा। ठीक है, तो पी इक्वल टू 50,000, आर इक्वल टू 5% 0.05, और टी इक्वल टू मान लीजिए 3 ईयर, तो PRT हो जाए। तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे इंटरेस्ट, यहाँ पे आई के लिए क्या लेंगे, आई भी लेंगे हम, क्या लेंगे आई, आई लेंगे डबल, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो आएगा तो डबल तो ही जाएगा ना, डेसिमल तो ही जाएगा। देन आई इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी PRT, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं MSG बॉक्स, इसके अंदर आई को शो करते हैं। देखिए रन करके देखिए एक बार, देखिए 75,000 आ गया, बिल्कुल सही है। दूसरा कैलकुलेशन है 1+RT, क्या है 1+RT, तो इसमें भी हम करते हैं सब्जेक्ट एम अंडरस्कोर टू ब्रैकेट ओपन क्लोज, सब सब होना चाहिए, सम कर दिए, और यहां पे करेंगे डिम ए एज ए। अब इसमें एक साथ कई वेरिएबल ले सकते हैं, ए कॉमा पी एज ए, हम कर देते हैं लॉन्ग, फिर डिम नहीं, ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पी होगा सिर्फ, पी एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे ए कॉमा आर एज ए डबल, और डिम टी एज ए बाई। ठीक है, अब यहाँ पे पी इक्वल टू 50,000, आर इक्वल टू 0.05, और टी इक्वल टू 3 ईयर, यहाँ हो जाएगा ए इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1+ अगेन ब्रैकेट में आर मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, फिर MSG बॉक्स के अंदर ए, इसको रन कीजिए, आ गया रिजल्ट। तो इसी तरह से एक कैलकुलेशन है, इसको आपको करना है, इसका फोटो, दो कैलकुलेशन है, दोनों कैलकुलेशन का जो ये है पिक्चर्स है, आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। ठीक है, दो दो पिक्चर्स है इसके अंदर, एक ये भी है, ये देखिए, इसमें भी यहाँ पे आप डिफाइन कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला, इन सारे फॉर्मूले का मुझे चाहिए VVA कोड। ठीक है, हो जाएगा ना सर, तो आज काफी ज्यादा हो गया, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम इफ कंडीशन एंड लूप दोनों पढ़ेंगे, इफ कंडीशन एंड लूप को पढ़ेंगे। ठीक है सर।
अब आप लोगों के पास क्वेश्चन वगैरह कुछ है तो पूछ सकते हैं। हाँ देखा है आपने अभी भेजा है जस्ट, तो मैं एक बार टाइम निकाल के देख के आपको लिखवाएगा, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेज है ना सर। ठीक है चलिए, ओके बाय।